हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिर्च मसाला किचन में। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हमारी किचन में क्या बना है। ये है यूपी और बिहार में खाए जाने वाली स्पेशली ठेकुआ। तो ठेकुआ की रेसिपी है ये आज की। तो ये ठेकुआ बनता कैसे है, और आपको पता ही है कि इसको स्पेशली छठ पूजा के दौरान बनाया जाता है और इसको प्रसाद के रूप में खाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए आइए चलिए मेरे साथ देखते हैं इसकी रेसिपी किस तरह से बनाते हैं इसे। तो आइए चले। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा मिक्सिंग जार। इसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप मैदा, 1/4 कप। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर सिर्फ गेहूं के आटे में बनाना पसंद है तो आप सिर्फ गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं, मैदा ना यूज़ करें। अदरवाइज़ आप इतना पोर्शन, 1/2 कप आपका है नॉर्मल गेहूं का आटा और 1/2 कप है मैदा। फिर हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे सूजी, 1/4 कप से थोड़ा सा कम वो हम डालेंगे सूजी। 2 चम्मच डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, इससे बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होएगी। ये दूसरी चम्मच, तो 2 चम्मच हमें डेसिकेटेड कोकोनट डालना है इसमें। डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर आप ज़रूर डालें, इससे आपकी बहुत ही बढ़िया ये टेस्ट में बनती है। और अगर आपके पास, वैसे तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, पर अगर आपके पास नहीं है तो सूखा जो नारियल होता है उसको आप मिक्सी में पीस के उसका पाउडर आप रेडी कर सकते हैं और उसको यूज़ करें। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर, इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अब 1/4 कप लेंगे हम इसमें घी, इसमें आप देसी घी ही डालिए। अगर आपको डालना है डालडा घी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर रिफाइंड ऑयल आप इसमें ना यूज़ करें। अब इस पूरे मिक्सचर को आप अच्छे से इस तरह से मसल लें। अब 1/4 कप डालेंगे इसमें हम चीनी, उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, जैसे कैरेमलाइज होता है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया वैसा टेस्ट आता है। और इसको आप या तो ऐसे डायरेक्ट यूज़ करें या फिर आप इसमें गुनगुने पानी में, थोड़ा पानी को गर्म करके उसमें चीनी ऐड करके, तो आप उस पानी से भी, अब ये आगे जो इसका डो हमें रेडी करना है, जो इसका आटा गूंदना है वो हम गूंद सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा ही हम इसमें पानी यूज़ करेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालेंगे, खट्टे बहुत सारे नहीं डालना। और इसको इस तरह से हम डो में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे मसलते जाए। ये आप देख सकते हैं कि डो ऑलमोस्ट रेडी है हमारा। ये लीजिए, डो हमारा हो गया रेडी। अब ये आप देख सकते हैं इसमें पानी बहुत ही कम यूज़ किया है हमने। अब इसको धीरे धीरे ऐसे ही मसल मसल के अच्छे से हमने ये
पूरा डो रेडी करना है। अब इसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम, इतना, और उसके ऐसे इस तरह से बॉल बना लिए। इसको इस तरह से करें, ये ऐसे बॉल बन जाएगी। अब जिनके पास ठेकुआ बनाने का मोल्ड नहीं है तो वो क्या करे, थोड़ा सा इसको ये करके और थोड़ा सा इसको ऐसे फ्लैट करे। मोल्ड नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपके पास ये कद्दूकस करने के लिए इस तरह से होगा, तो ये कद्दूकस जो है हमारे पास, इसको हम लेंगे ये लोई को और इसके ऊपर हम इस तरह से दबा देंगे। आप देखेंगे, ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। इस तरह से एक ये बन गया हमारा डिज़ाइन। ऐसे ही और बताती हूँ मैं आपको डिज़ाइंस। इसी तरह से दूसरा एक, जो ये जिससे हम पूरियाँ तलते हैं, ये वो है छलनी। हमने लोई ली और इसके ऊपर इस तरह से रख दिया और इसको दबा दे, तो इससे भी आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। ये लीजिए, देखा, ये है हमारा सेकेंड नंबर का डिज़ाइन। कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थर्ड नंबर है छलनी, चाय की छलनी जो होती है, उसको लिया हमने और उसके ऊपर भी इस तरह से पीछे ऐसे दबा दिया। ये देखिए, ये है हमारा थर्ड नंबर का डिज़ाइन। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आ रहे हैं, आप उस हिसाब से अपना कोई भी डिज़ाइन बना लीजिए या फिर अलग अलग डिज़ाइंस बना के तैयार करिए। अब ये एक छलनी और है, इस तरह की छलनियाँ भी मिल जाएगी आपके भी घर में, तो आप एक लोई को और लेंगे, इसको इस तरह से दबाएंगे इस पे। ये देखिए, ये एक डिज़ाइन और रेडी है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे डिज़ाइन बन गए। तो आप जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है, आप वो यूज़ करें। और आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते तो सिंपल लेंगे हम फॉक और उस पे इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। ये देखिए, देखिए लग रहा है ना बढ़िया। इनमें से कोई भी, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है वो आप बनाइए, और सारे अपने ये जितने भी ठेकुए आपके रेडी हुए हैं उनमें आप इस तरह से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये लीजिए फ्रेंड, सबके मैंने अलग अलग डिज़ाइन बना लिए हैं, और ये हमारे इतने हमारे जो मिक्सचर रेडी हुआ है उसमें हमें ये 10 ठेकुए हमारे रेडी हो गए। अब बारी है इनको तलने की। एक कढ़ाई हम लेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे और उसको गर्म होने के लिए रखेंगे। थोड़ा सा पोर्शन हम ठेकुआ का वो इसमें डाल के देखें, अगर ये इस तरह से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब कि तेल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। इसको अब हम निकाल लेंगे। अब एक एक करके हम सारे ठेकुए इसमें डालेंगे। बहुत सारे हमें नहीं इकट्ठे डालने, कि ये ना हो कि ये चिपक जाए आपस में। थोड़ा थोड़ा सा इनको दूर करके रखेंगे, और गैस का फ्लेम लो ही रखें, क्योंकि आप इसका साइज़ देख सकते हैं, थोड़े मोटे मोटे बनते हैं, तो उसकी वजह से इनको अंदर तक हमें पकाना है, तो इसलिए इसको लो फ्लेम में ही पकाएं।
उससे ये अंदर तक ये पूरा सही से पकेंगे, क्रिस्प बनेंगे और बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। पलटते हुए भी थोड़ा ध्यान रखें आप, क्योंकि इसमें चीनी डली है तो वो और कैरेमलाइज हो जाती है, उससे ये सॉफ्ट होता है काफ़ी। तो पलटते हुए भी बड़ा ध्यान से इन्हें पलटें, इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से। अब जितना आपको इसमें गोल्डन कलर चाहिए उस हिसाब से आप इसको पकाएं, उतना ही आप इसको फ्राई करें, पर ध्यान रहे कि फ्लेम आपका बिल्कुल लो ही रहे। ये देखिए फ्रेंड, कुछ ही देर में आप ये इस तरह से कलर इनका आ जाएगा। बाकी आपको जिस तरह से भी जितना भी डार्क कलर चाहिए आप अपना कर सकते हैं। और इसको अब धीरे धीरे हम प्लेट में निकाल लेंगे, बाकियों को भी इसी तरह से क्रिस्प होने देंगे। फ्लेम धीरे ही रहेगा बिल्कुल। लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे ठेकुआ बिल्कुल रेडी है बनके। अब ये आप थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो आप इसे खाए, तो बिल्कुल ये खस्ता है क्योंकि इसमें घी डला हुआ है, कैरमलाइज हो रखे है बिल्कुल बढ़िया से, क्योंकि चीनी है। चीनी की आपने देखा है कि बिल्कुल हमने एज इट इज़ चीनी को यूज़ किया है। फिर पिसी हुई चीनी को भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं कोई भी आप पीस उठा के देखिए, डिज़ाइन तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है वह। और इस तरह से अगर आप ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल जैसे कुकीज़ होती है, तो ये एक तरह से देसी कुकीज़, तो इसको देसी कुकीज़ भी बोल सकते हैं हम। और बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है ये डिश, तो इसे ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगा ये हमारी ये आज की रेसिपी ठेकुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जानने के लिए।